हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्वेट लिफो पे और आज मैं फंस गया मैं करीना। तो गाइस, आज वो वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो में सिंपली हमें मैं ये बताने वाला हूँ कि जो फ्यूचर में मैं एकॉइंस कमाने वाला हूँ तो उनसे मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ एंड कौन सी गन्स मैं पहले खरीदूँगा एंड बाद में, ये सारी चीज़ें जिसको आप सवाल पूछ रहे थे। तो चलो रिप्लाई करते हैं उन क्वेश्चंस का। सबसे पहली बात कि मैं चीता खोलने वाला हूँ या फिर कार्बाइन, तो इसका फैसला अब हो चुका है। आप लोगों ने भी जो सजेस्ट किया मैंने वो देखा और सुना एंड अब, और मतलब बहुत सारे सजेशन तो यही आए कि आप चीता मत खोलो एंड सीधा कार्बाइन खोलो, और वो भी कार्बाइन 12। क्योंकि कार्बाइन, अगर मैं सिर्फ 250 एकॉइंस और कर लूँगा ना तो मेरे को कार्बाइन 12 मिल जाएगी। तो ये 250 के लिए मैं कार्बाइन 10 क्यों खरीदूँ? सीधा कार्बाइन 12 खरीदेंगे ना, मोस्ट पावरफुल, और इसकी एनर्जी 12 है। तो मैं सोचा हूँ ना, या तो इसे गार्डियन में लगाऊंगा। एंड मैंने एक चीज़ गौर की, अगर मैं गार्डियन की रैंक अपग्रेड कर दूं एंड फिर अगला टूर्नामेंट में भी जीत जाऊं तो मैं गार्डियन की सेकंड कॉपी बना सकता हूं। हाँ करेंगे यार। तो जहां तक बात है मैं उसे किस में लगाने वाला हूं, तो मेरा इरादा है कि मैं उसको इसमें लगाऊं एंड कार्बाइन 12 विथ मिसाइल रैक मैं सोच रहा हूं करने के लिए, कार्बाइन 12 विथ मिसाइल रैक एंड फिर कार्बाइन 12 की भी सेकेंड कॉपी बनाकर सेकेंड कॉ, और फिर उसके बाद पता है पैसे कमा, मतलब तब तक जब तक कार्बाइन 12 तक हम लोग पहुँचेंगे तब हमारा ब्रिक हाउस भी खुल जाएगा एंड देन मैं अपना ब्रिक हाउस यहाँ लगाऊंगा और यस की जगह। एंड ब्रिक हाउस के लिए अभी तक मैंने गन डिसाइड नहीं किया कि मैं ब्रिक हाउस पे कौन सी गन लगाने वाला हूँ। सीरियसली मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि मैं ब्रिक हाउस पे या फिर ब्रिक हाउस पे मैं कार्बाइन लगा दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ब्रिक हाउस पे मैं कौन सी गन से लगाऊँ। अगर लगानी भी होगी तो यार VLG जूस तो सपने में भी ना लगाऊँ, इतना स्लो मैक है यार। मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ लेकिन नहीं, मेरे को ब्रिक हाउस के लिए पैसे बचाने। ब्रिक हाउस के गाइस हम लोग नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं दिन पर दिन। पहले ये कितना दूर था, पहले हम लोग यहाँ पे जब थे जैफर, कहाँ है जैफर, जब हम लोग यहाँ जैफर पे थे तब मैंने क्या बोला था कि यार अभी तो बहुत दूर है ब्रिक हाउस, लेकिन अभी ये थोड़ा पास सा लग रहा है बिकॉज ये देख रहे हो जस्ट इतना सा दूरी बाकी है जो कि हमें कंप्लीट करनी है, बस थोड़े टाइम में हो जाएगी। हमें लगभग चाहिए 24,000 के करीब हमें अभी XP जमा करनी है एंड देन फिर हमारा खुल जाएगा ब्रिक हाउस। 24,000 XP लगभग 24 डेज, वाह ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, लगभग 20-15 दिन में हमारा खुल जाएगा ब्रिक हाउस। सो यार यही थी एंड कुछ और चीज़ें बता दूँ, जैसे कि कार्बाइन जो बात आ रही है कार्बाइन 12 एंड कार्बाइन 10, जब मैंने दोनों ही खोल लूँगा तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा मैं अपग्रेड किसे करने वाला हूँ तो वो कार्बाइन 12 है यार, सिंपली बिकॉज कार्बाइन 12 को अपग्रेड करके मैं, अगर बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड मैं कर दूंगा ना तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसको किसी खतरनाक ही मैक में लगाऊँ, और उस टाइम मैं अभी तक मैंने फैसला नहीं किया उस टाइम तक मैं अपने कौन कौन से मैक को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दूंगा। एंड फिर दो तीन बातें और आती हैं, जैसे कि मिसाइल रैक, इसकी रैंक कब अपग्रेड कर रहा हूँ, तो इसकी भी रैंक अभी इसका क्या है, ये एक्सट्रैम रेडियस 0%, 50%, अगर इसकी रैंक अपग्रेड कर दूंगा तो इसकी एक्स्ट्रा डैमेज रेडियस बढ़ जाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है, डैमेज रेडियस मजाक है। ओ नहीं, मैं अभी कर देता रैंक अपग्रेड, पागल है, नहीं नहीं है अभी नहीं करना है मेरे को, सारे एकॉइंस चले जाते, 2700 एकॉइंस है सारे चले जाते, क्या यार गलती से क्लिक हो गया था मेरे से। ओके चीता जहाँ तक खोलने की बात है, चीता मैं अभी नहीं खोलने वाला, आई थिंक बहुत जब बाद में खोलेंगे, जब हमारा ब्रिक हाउस भी अनलॉक हो जाएगा ना तब मैं सोच रहा हूँ, जब हमारा ब्रिक हाउस एंड कार्बाइन 12 अनलॉक हो जाएगा जो कि जल्दी होने वाला है तब मैं चीता खोलूँगा। और वैसे एक चीज़ देखा जाए तो चीता मेरे चैनल पे लगभग 5-6 महीने हो गए, 5-6 months एंड मैंने अभी तक चीता अनलॉक ही नहीं किया है। बीच में मैं इसे अनलॉक करने वाला था जब इसकी रेट थी 2850, लिटरली मेरे को सिर्फ जिस दिन मेरे 2850 कंप्लीट हुए थे ना उसी दिन मैं पता चीता को रात के वीडियो के लिए अपग्रेड करने जा रहा था एंड जैसे ही मैं अपग्रेड करने गया, जैसे ही वीडियो बनाने गया, उसके एक घंटे बाद ही क्या मैसेज आया यूट्यूब से नहीं प्ले स्टोर से कि मैं करीना अपडेट हो चुका है। अपडेट मैंने कर दिया लेकिन उसके बाद अपडेट करने के बाद जब मैं वीडियो बनाने बैठा कि चलो यार आज अब तो मेरे पास 2850 एकॉइंस हो चुके हैं, मैं अपने चीता को खोल लूँगा, पर जैसे ही मैंने जाके प्राइस देखी एंड फिर मैंने दो तीन अपने दोस्तों से बात की तब मुझे पता चला कि मैं करीना के अंदर जितनी भी चीज़ें थी ना उन सब की प्राइस सब बढ़ चुकी है, एक टाइप से डबल हो चुकी है एंड ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया मेरे को।
मजाक नहीं यार, इतनी इतने दिनों की मेहनत थी, कमाई, और उसके बाद फिर इन लोगों ने प्राइस डबल कर दी, जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया। और इसके लिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि जाके मैकरीना के जो गेम है उसके डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजो कि वो प्राइस वापस से नॉर्मल कर दे। और काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी आया और मुझे भी रिप्लाई आया। उन लोगों ने सिंपली ये बताया कि बहुत सारे लोग टूर्नामेंट जीत जीत कर इतने ज़्यादा एकॉइंस कर लिए हैं कि यार उनके लिए सब ईजी हो गया है। एंड एग्जाम्पल के तौर पर KSO को ही ले सकते हैं। KSO के पास बहुत सारे हैं, वो पूरे दिन खेलता है यार, उसके पास बहुत सारे हैं, मेरे पास नहीं है, बट फिर भी कर लेंगे ना कभी ना कभी। आज सुबह वाली वीडियो में ये गोल्डन वॉल्ट खोली थी, अगर ये मिल जाती ना 2500, कहाँ है यार, अगर ये मिल जाता ना, अच्छा नहीं हो जाता, ये मिल जाता तो यार और भी इजी हो जाता। 2500 तो हमारे पास लगभग 5000 से भी ज़्यादा एक कॉइंस हो जाते। एंड फिर अगला टूर्नामेंट में तो भाई बहुत इजीली हम लोग अपना कार्बाइन 12 खोल लेते। तो ये गलत हो गया। सो गाइज यार, मैंने सारी चीज़ें बता दी, फ्यूचर प्लान बता दिए, तो आई एम सुंदरेश, टेक केयर एंड गुड बाय।